हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि अगर व्हाट्सएप पर मैसेज आता है तो पता नहीं चलता, कैसे इस प्रॉब्लम को सही कर सकते हैं, इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। तो इसके लिए आपको मोबाइल के सेटिंग में जाना है, थोड़ा नीचे आएंगे तो एक ऑप्शन मिलेगा ऐप्स नाम से या ऐप मैनेजमेंट नाम से, इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर ऊपर ऑप्शन मिलेगा ऐप मैनेजमेंट या मैनेज ऐप नाम से, इस ऑप्शन पे क्लिक करना है। फिर आपको आ जाना है नीचे, सबसे नीचे आएंगे व्हाट्सएप को खोजेंगे तो मिल जाएगा, तो यहाँ पर है। चलिए हम व्हाट्सएप पे क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा मैनेज नोटिफिकेशन, आपको मैनेज नोटिफिकेशन पे क्लिक करना है। अगर ये नोटिफिकेशन यहाँ से बंद होगा तो इसे चालू करना है, अगर ये चालू रहेगा तो इसे एक बार बंद करना है, फिर से चालू कर देना है। फिर आप चेक कर लेना नीचे सभी परमिशन अलाउ होनी चाहिए, देखिए सब यहाँ पर ऑन होना चाहिए, ऊपर एक को बस छोड़कर। फिर आपको बैक आना है। अब यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा स्टोरेज यूजेज या स्टोरेज नाम का ऑप्शन आपके फ़ोन में ऊपर हो सकता है, तो जहाँ पर भी रहे स्टोरेज यूजेज वाला ऑप्शन इस पर क्लिक करके क्लियर कैच पर क्लिक कर देना है। फिर बैक आना है, तो हम बैक आते हैं। अब व्हाट्सएप को ओपन करना है, ऊपर थ्री डॉट पे क्लिक करना है, फिर सेटिंग्स में क्लिक करना है, फिर यहाँ पर नोटिफिकेशन का ऑप्शन है इस पर क्लिक करना है, फिर ऊपर थ्री डॉट का ऑप्शन है इस पर क्लिक करना है, फिर रीसेट नोटिफिकेशन सेटिंग का ऑप्शन है इस पर क्लिक करना है, फिर आपको रीसेट कर देना है, कुछ भी डिलीट नहीं होगा, आपकी जो प्रॉब्लम है सही हो जाएगी। तो यहाँ से दो बार रीसेट कर देना है, फिर आपको आना है बैक। अब अपने मोबाइल को एक बार स्विच ऑफ़ करना है, स्विच ऑफ़ करने के बाद इसे स्विच ऑन कर लेना है, फिर आपकी प्रॉब्लम हमेशा के लिए ठीक हो जाएगी। जब भी कोई मैसेज भेजेगा तो आपके फ़ोन पर आएगा, आपको पता चलेगा, और गाइस इस तरीके से आप ठीक कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, एक प्यारा सा कमेंट भी कर दीजिए। थैंक यू।